इस वीडियो के अंदर हम भूगोल विषय के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मॉडल पेपर 2021 से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, संभववाद की नींव किसने रखी? तो संभववाद की नींव विडाल डी ला ब्लास ने रखी, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। विडाल डी ला ब्लास कहाँ के भूगोलवेत्ता है? फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। इन्होंने संभववाद की नींव रखी। दूसरा प्रश्न, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? तो भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। तीसरा प्रश्न, एस्किमो के जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? तो एस्किमो के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। एस्किमो जनजाति के लोगों में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? तो सील मछली का। विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम उद्यम आखेट व संग्रहण है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के 3 उपाय हैं। पहला उपाय है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना। दूसरा उपाय है अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। तीसरा उपाय है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक लगाना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं? पहला उपाय है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना। दूसरा उपाय है अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। तीसरा उपाय है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक लगाना। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किस नगर को कहते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई नगर को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई नगर को कहते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करें, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, क्रॉस क्या है? तो क्रॉस बुशमैन जनजाति की स्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा है? चोगा है। तो बुशमैन जनजाति की स्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यानी चोगा को ही क्रॉस कहते हैं स्थानीय भाषा में। यानी बुशमैन जनजाति की स्थानीय भाषा में चोगा को क्रॉस कहते हैं। चोगा एक अप्रैल टाइप ड्रेस है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। यानी लिंग के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। यानी असम और गुजरात को जोड़ता है। असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन वायु परिवहन है। और अगले प्रश्न की बात करें, जो आखिरी प्रश्न है, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखिए। तो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के दो कारण है। पहला है पुत्र को प्राथमिकता, दूसरा है भ्रूण हत्या। पहला कारण क्या है? पुत्र को प्राथमिकता, और दूसरा है भ्रूण हत्या। तो एक बार फास्ट रिविजन कर लेते हैं हम। संभववाद की नींव किसने रखी? तो विडाल डी ला ब्लास ने रखी, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? तो महानगर कहते हैं। एस्किमो के जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? तो सील मछलियों का। विश्व का सर्वाधिक उद्यम कौन सा है? तो आखेट व संग्रहण। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय है जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना और अधिकांश वृक्षारोपण करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक लगाना। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किस नगर को कहते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई नगर को कहते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न की बात करें,
तो चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। क्रॉस क्या है? बुशमैन जनजाति की स्त्रियों में महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा असम और गुजरात को जोड़ता है। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन वायु परिवहन है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखे, तो पहला है पुत्र को प्राथमिकता, दूसरा भ्रूण हत्या। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।